नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर 37। इससे पहले 36 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब 37th लेक्चर है, तो इससे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश ओलांडे क्लास 10th। और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि जहाँ पर मैंने वीडियोज़ को नंबरिंग दी हुई है, महेश ओलांडे क्लास 10th नंबर 1 या फिर लेक्चर 1। अगर आप ऐसे सर्च करें तो पर्टिकुलरली आपको 1 से लेकर अभी तक के जो सभी वीडियोस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट सर्च करें तो आपको पूरी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी, जैसे कि महेश ओलांडे क्लास 10th, ऐसा अगर आप सर्च करें तो आपको पूरे वीडियो जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन ax² इस फॉर्म में हो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में हो तो उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यह फॉर्म मतलब क्या होता है, देखिए वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, फिर वेरिएबल की पावर 1 और कांस्टेंट वैल्यू सी। यहाँ पे ए बी और सी यह कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और एक्स जो है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी एन एक्स वाई जेड ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी जहाँ पे हैं वहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, कांस्टेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक डेफिनेशन जिसमें है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म वहाँ पे होनी ही चाहिए और एक्स स्क्वायर यह न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए, 5/(x-3) इज इक्वल टू x². अब जो ऑप्शन नंबर 1 है वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 5/(x-), डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो 5/(x) को हमें न्यूमरेटर में लिखना है। तो न्यूमरेटर में कैसे होगा, देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर का x हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हमें दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों साइड को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 5/(x) मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3x इज इक्वल टू x² इंटू x। तो यहाँ का डिनोमिनेटर का x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x² इंटू x, इसका मतलब यहाँ पे x³ x³ आ जाएगा, यहाँ पे -3x और यहाँ पे +5। तो इन दोनों को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो x³ -3x का +3x होगा और +5 का राइट हैंड साइड में -5 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो 0 रहेगा उसे हम राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हुआ है यहाँ पे, वो इक्वेशन में x की पावर 3
क्यूब आया है यहाँ पे, तो क्यूब की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे देखिए, एक्स से अगर हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू एक्स ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू टू। टू को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू का यहाँ पे माइनस टू होगा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया है वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। देखिए देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म एक्स की टर्म, सी की वैल्यू सी की वैल्यू माइनस टू, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो यहाँ पे आंसर होगा, तो आंसर हम ऑप्शन नंबर टू लिखेंगे। अब इन दोनों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एन की पावर वन, यहाँ पे भी पावर वन, तो हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए, तो यहाँ पे वन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब वन बाय एक्स का स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है डिनोमिनेटर का, तो दोनों साइड को हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स का क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स का क्यूब आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये क्यूबिक इक्वेशन रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी है कि वो एक्स स्क्वायर की टर्म वहाँ पे हो, नहीं तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यह देखना जरूरी होता है कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है या नहीं। एक्स स्क्वायर की टर्म तो वहाँ पे होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ वहाँ पे क्यूब की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स क्यूब की टर्म है तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इसलिए पावर टू होना जरूरी होता है, चाहे पावर वन हो या ना हो। देखिए अगर ऐसा इक्वेशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वेरिएबल के स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो अभी हमने जो चर्चा की थी उसके हिसाब से देखिए, एक्स स्क्वायर की टर्म वहाँ पे होनी चाहिए, और उसके बाद क्यूब की टर्म या पावर टू से ज़्यादा की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू इलेवन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ का एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ का प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू इलेवन। अब इलेवन को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस इलेवन और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जीरो रहेगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे 4x माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए जो दिए गए इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन जो है वही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर की टर्म है और यह एक्स स्क्वायर की टर्म न्यूमरेटर में ही है और वो कहीं से कैंसिल यहाँ पे नहीं होने वाली, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन्टी, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये भी कैंसिल नहीं होने वाली है, तो इसलिए भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर यहाँ पे टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ का माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, दोनों एक्स स्क्वायर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन
करके सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एक स्क्वायर और यहाँ का प्लस एक स्क्वायर, दोनों एक स्क्वायर की एडिशन होगी, यहाँ पे भी एक स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, अब इन दोनों को राइट हैंड साइड में अगर हम ले आते हैं तो एक स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, माइनस एक स्क्वायर का राइट हैंड साइड में प्लस एक स्क्वायर होगा, प्लस टू एक्स का भी राइट हैंड साइड में माइनस टू एक्स होगा, और यहाँ पे प्लस फाइव एज इट इज़ राइट हैंड साइड में ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो रहेगा यहाँ पे, दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में लेने के बाद यहाँ पे जीरो रहेगा, तो वो जीरो हमें लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में लिखना है, तो दोनों साइड्स इक्वल हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, ये होगा टू एक्स स्क्वायर, और माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे कहीं से भी कैंसिल नहीं होने वाली, तो इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल, फाइंड ए। तो इससे पहले हमने जो वीडियोस लिए हैं उनमें हमने बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स लिए हैं, तो उनको पहले आप सभी को देखना होगा, फिर उसके बाद यह जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको पहले ही बेसिक क्लियर हैं तो भी यह जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ सकता है। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर उसके रूट रियल और इक्वल होते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो होती है वो वहाँ पे जीरो होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट जो हैं वो रियल और इक्वल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डेल्टा जीरो होता है। डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ से हमें ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो पहले हमें फाइंड करनी है, तो ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो देखिए, यहाँ से अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंसिडर करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो के, और जो c की वैल्यू हो जाएगी वो भी यहाँ पे k ही है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, b स्क्वायर, अब b की वैल्यू k है तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू वन इंटू c की वैल्यू फिर से k इज इक्वल टू जीरो। तो हमें यह क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसे सॉल्व करके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, तो यहाँ पे होगा के स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर इंटू के इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों वैल्यू से हमें के को कॉमन लाना है, के स्क्वायर और माइनस फोर के से के कॉमन, तो के से के स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक के कैंसिल होगा, एक के रहेगा माइनस, तो प्लस के डिवाइड बाय माइनस फोर के, मतलब माइनस फोर के को के से डिवाइड करना है, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के डिवाइड बाय के, के कैंसिल यहाँ पे रहेगा फोर, तो के इंटू के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उनमें से एक ब्रैकेट जीरो होगा, तो इसका मतलब के की वैल्यू जीरो होगी या फिर के माइनस फोर की वैल्यू जीरो होगी।
तो के माइनस फोर की वैल्यू जीरो होगी, तो के इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस फोर का प्लस फोर होने वाला है, तो के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू फोर। तो जीरो और फोर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन, वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फॉर स्क्वेयर रूट ऑफ टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल, तो यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे रूट टू, ये दो वैल्यूज यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। अब जो बी की वैल्यू है, बी देखिए, बी के लिए एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस फाइव, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बी, तो बी की वैल्यू माइनस फाइव। फिर सी की वैल्यू, सी कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ टू है, तो प्लस रूट टू सी की वैल्यू हो जाएगी प्लस रूट टू। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो होता है डेल्टा, और डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस फोर सी होती है। तो जो बी की वैल्यू होगी माइनस फाइव, यहाँ पे हमें लिखना है माइनस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय सी, सी की वैल्यू भी रूट टू ही। तो हमें यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन करना है, माइनस फाइव का जो स्क्वायर होगा वो प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर एज इट इज रूट टू इंटू रूट टू। अब देखिए रूट टू इंटू रूट टू मतलब रूट टू का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दो ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर टू आ जाता है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए टू लिखना है, तो 25 माइनस 4 इंटू टू। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, तो 4 इंटू टू 8, 25 माइनस 8। अब 25 से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 17। तो जो 17 है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स थ्री कॉमा फाइव। तो यहाँ पे दो टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि जो रूट्स दिए गए हैं उन रूट्स को लेकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा है तरीका कि जिसमें हमें हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थ्री और फाइव हैं वो चेक करना है। तो इन दोनों में से, दोनों मेथड से जो आसान मेथड है, अगर हमें रूट दिए जाते हैं तो उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना आसान होता है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, देन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय
अगर हमें अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए जाते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इन दोनों रूट्स को लेकर, वो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दी गई हैं 3 और 5। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 है तो लेट हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आएगा वो आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 3 और 5, तो 3 प्लस 5। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस 5 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू 5 15 लिख सकते हैं। और यही वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8, तो यहाँ पे लिखना है -8 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 15, तो यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स 3 और 5 होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। दिए गए इक्वेशंस में से वो इक्वेशन फाइंड करिए जिस इक्वेशन में जो रूट्स दिए गए हैं उनकी सम -5 है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, देखिए जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो इसके जो रूट्स होते हैं उनकी जो सम होती है, सम ऑफ द रूट्स, और जो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो, और प्रोडक्ट को हम अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं जो कि अल्फ़ा और बीटा इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो दिए गए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सभी को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होगा और वहाँ पे हमें सम फाइंड करनी होगी। तो सभी के लिए हम सम अगर फाइंड कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए देखिए माइनस, यहाँ पे हमें लिखना है माइनस बी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -15, तो ये ब्रैकेट में -15 डिवाइडेड बाय ए, ए की वैल्यू 3, तो माइनस माइनस कैंसिल 15 अपॉन 3, यहाँ पे +5, तो हमें -5 सम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 माइनस बी, अब बी की वैल्यू -5 डिवाइड बाय यहाँ पे ए, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे +5 डिवाइड बाय 1 मतलब +5, हमें -5 सम चाहिए। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन, तो यहाँ का माइनस साइन और बी की वैल्यू 3 अपॉन 1, तो -3 वैल्यू होगी, तो इसलिए -5 सम नहीं है। अब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, लेकिन हमें चेक करना है। तो माइनस बी, बी की वैल्यू +15, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -15 डिवाइड बाय ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, तो ए से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 5 15, माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस, तो -5, हमें सब -5 ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगी। तो जो आज का जो भी क्लास है
आज का जो भी वीडियो कहिए वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करते रहेंगे। आपको ये बता दूं कि पूरे क्लास टेंथ का, मतलब क्लास टेंथ का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करने वाला हूं, तो आप सभी वीडियोज जो हैं वो देखते रहिए। इसके आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें जो पिछले वीडियोस थे उनसे और बेहतर तरीके से मैं जो भी मतलब पढ़ाना है वो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी को, जो भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर ये सभी वीडियोस देखने ही चाहिए, क्योंकि आप सभी के सभी डाउट्स इन सभी वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर होने वाले हैं। और इसके बाद जो वीडियोस होंगे उनमें मैं थोड़ी स्पीड कम रखने वाला हूँ। इससे जो पहले वीडियोस हुए हैं उनमें बहुत सी वीडियोस में थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसके बाद जो स्पीड होगी वो भी कम होगी और जो मतलब क्वालिटी भी होगी देखने के लिए और आवाज़ की भी जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी। तो थैंक यू।